go to, what all shortcuts should we be knowing? अब बताइए कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये इतना बड़ा लिस्ट है, ठीक है, 44, ये मान लीजिए पहले रो पर आप हैं, क्लियर। यस नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट शॉर्टकट्स। व्हेन यू आर मूविंग इन अ पेज इन अ शीट ऑफ एक्सेल शीट, व्हाट ऑल शॉर्टकट्स कैन यू यूज टू टू स्पीड अप योर वर्क। ठीक है, शॉर्टकट अगर आप यूज कीजिएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे नॉर्मल तरीके से मान लीजिए इसमें आपको लास्ट रो में जाना है, इस कॉलम के, कॉलम ए के लास्ट रो में जाना है, ठीक है, तो आप कैसे जाइएगा? एरो डाउन 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 एरो करके जाइएगा, नॉर्मल तरीका, ठीक है, यस सर एक एक करके आप नीचे जाइएगा, एक एक करके नीचे जाइएगा, तब जाके यहाँ मिलेगा, करेक्ट, यस और नो? यस सर तो सोचिए ये 44 रो है तो आपको 44 बार क्लिक करना पड़ेगा, यस और नो? यस सर लेकिन और मान लीजिए 1000 रो रोज रहे अगर एक्सेल में, तब आप कैसे कीजिएगा? 1000 बार क्लिक कीजिएगा। तो इसी पर्पज से हमें शॉर्टकट दिया जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, शॉर्टकट इसका क्या होता है नोट कर लीजिएगा, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, ठीक है, क्या है इसका, कंट्रोल प्लस डाउन एरो डाउन एरो। डाउन एरो देख रहे हैं ना, देखिए कहाँ पर है डाउन एरो, कीबोर्ड में कहाँ पर है, एंड के नीचे है, चार डायरेक्शन में चार एरो, एक यस अप है, डाउन है, लेफ्ट है, राइट है, राइट। तो कंट्रोल राइट और डाउन को जब आप क्लिक कीजिएगा, डाउन एरो को, तो वो आपको क्या जिस कॉलम में है उसके लास्ट रो पर ले जाएगा, लास्ट रो पर ले जाएगा। देखिए ले गया, देखो अब स्क्रीन पर देखिए, ठीक है, अब स्क्रीन पर देखिए ऊपर ले जाना है आपके, कंट्रोल हाँ, अगर ऊपर ले जाना है तो क्या होना चाहिए, बोलो, प्लस अप एरो कंट्रोल प्लस अप एरो, क्लियर। अच्छा वही यस चीज आपको मान लीजिए हॉरिजॉन्टली जाना है, ठीक है, तो कंट्रोल हम लोग क्या देखे, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, कंट्रोल प्लस अप एरो, ठीक है, फिर क्या होगा, कंट्रोल प्लस लेफ्ट, एंड हाँ लेफ्ट हाँ लेफ्ट एरो, ठीक है, राइट एरो, ये चार तरीके से हो सकता है। तो मान लीजिए आप अभी फर्स्ट सेल पे, आपको लास्ट कॉलम पे जाना है, ठीक, यहाँ पे तो मान लीजिए 6-7 कॉलम है, तो आप 8 बार लेफ्ट एरो क्लिक कीजिएगा तो आपको ले आएगा इस पर। लेकिन मान लो 25 कॉलम रहेगा, तब क्या करो, 25 बार कॉलम सिलेक्ट करोगे, यस सर ठीक है, इसलिए शॉर्टकट क्या है इसका, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, लास्ट कॉलम में ले गया, ठीक है। अब फिर फर्स्ट पे जाना है, फर्स्ट कॉलम पे कंट्रोल प्लस लेफ्ट राइट राइट एरो, ठीक है। अच्छा इसमें एक और ट्रिक है, ट्रिक ये है कि मान लीजिए इस जगह गैप रहता, ठीक है, मान लीजिए एक रो ब्लैंक हो गया, ठीक है, तो आप सबसे पहले रो में है, A1 सेल पर है, ए रो ए कॉलम के नंबर 1 रो पर है, ठीक है, इस जगह आप कंट्रोल प्लस डाउन कीजिएगा तो लास्ट में जाना चाहिए, यस लेकिन सर अगर एक ब्लैंक सेल है तो वो उससे पहले तक ही रुक जाएगा, ठीक है। सो योर एक्सेल अंडरस्टैंड्स कि जहां पर डिस्कंटिन्यू हो जा रहा है सेल, इट विल स्टॉप, इट विल कंसीडर द लास्ट सेल एज द वन अबव द एम्प्टी सेल, ठीक है, ये जो एम्प्टी सेल है इसके ऊपर वाले सेल को इट विल कंसीडर एज द लास्ट सेल, ठीक है। तो क्या यस होगा, यहाँ पर कंट्रोल प्लस डाउन कीजिएगा तो ब्लैंक सेल नाइन ऊपर तक ही आएगा, रो नंबर 9 तक, ठीक है। यस इसी तरह मान लीजिए आप, तो इसके बाद क्या करना है, फिर आप एक बार कंट्रोल प्लस डाउन कीजिएगा ताकि ये ब्लैंक एक ही सेल है, तो ये फिर जहां पे वो खत्म होगा वो उसके बाद के सेल को कंसीडर करेगा, और फिर आप एक बार कंट्रोल प्लस डाउन कर दीजिए, तब आप लास्ट इसमें आ गए, लास्ट सेल में आ गए। इसी तरह कंट्रोल प्लस अप भी कीजिएगा तो वो ब्लैंक के ऊपर रुक जाएगा, ब्लैंक के नीचे ही रुक जाएगा, ठीक है, बिट विल यस सर बिकॉज इट कंसिडर्स ओनली द कंटिन्यूअस सेल्स, ओके, इट विल कंसिडर ओनली द कंटिन्यूअस सेल्स, क्लियर, यस सर ओके, वेरी गुड। मैं फिर से इसको ले आता हूँ, ठीक है। सिमिलरली आप अगर पूरे
पूरे टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, पूरे टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, कंट्रोल प्लस ए ए, कंट्रोल प्लस ए कीजिएगा, तो कंट्रोल प्लस ए हो जाएगा, पूरे टेबल को सिलेक्ट कर देगा, लेकिन पूरे शीट को नहीं किया। देखिए ये वाला तो नहीं हुआ, ये सारा चीज हाईलाइट हुआ, नो सर, क्यों, क्योंकि यहां पर, क्योंकि सेल मतलब ये कंसिडर करता है जहां डिसकंटिन्यूअस तक। हाँ, तो ये देखिए पूरा टेबल कंसीडर करेगा, लेकिन ये कॉलम ब्लैंक हो गया ना, उसके बाद है कॉलम आई ब्लैंक हो गया, तो उसको कंटिन्यूअस नहीं मिला, तो कंटिन्यूअस जहां नहीं मिलेगा वहां वो स्टॉप कर जाएगा, ठीक है। अगर वही चीज इसको मैं इधर ले आऊं, कॉलम आई पर ले आऊं, तो देखिए यहां पर कंट्रोल ए किया, तो देखिए सारा हाईलाइट, कॉलम आई भी हाईलाइट हो गया, यस क्योंकि ये कंटिन्यूअस था, कॉलम एच तक तो था ही, ये टेबल यस कंटिन्यू, और आई में भी डेटा है, कॉलम आई में भी डेटा है, इसलिए दिस विल कंसिडर एज, इट विल कंसिडर कॉलम आई एज पार्ट ऑफ द सेम टेबल, क्लियर, गॉट यस इट राइट, यस दिस इज हाउ इट वर्क्स, इस तरह से ये शॉर्टकट्स काम करते हैं। अच्छा मान लीजिए आपको पूरा पेज सिलेक्ट करना है, तो यहां पर देखिए ये एक ट्रायंगल बना हुआ है एट द टॉप लेफ्ट, यस सर एट द टॉप लेफ्ट यू कैन सी दिस ट्रायंगल, इफ यू क्लिक ऑन दिस ट्रायंगल इट विल सिलेक्ट द एंटायर पेज, यू सी एंटायर पेज गॉट हाईलाइटेड, इट मीन्स इट हैज सिलेक्टेड एंटायर थिंग। तो अगर आपके पेज में मान लीजिए अलग अलग जगह पर कुछ लिखा हुआ है, तब तो आप कंट्रोल ए कीजिएगा तो वो नहीं होगा ना, यस सर है ना, दो बार कंट्रोल ए कीजिएगा तब जाकर वो लेगा, ठीक है। बट अगर आपको ऐसे ही ब्रेक जहां यहां रहेगा उतना बार आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है, तो इट विल नॉट कंसिडर, जहां जहां ब्रेक रहेगा मान लीजिए लास्ट रो के बाद फिर ब्रेक रहा, तो उतना बार आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर पूरे शीट का डेटा आपको कॉपी करना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ट्राइंगल, क्लियर, एंगल यस सर ठीक है, डन। यस सर और अब हम लोग चलेंगे, अच्छा एक और चीज बता देता हूँ कि यहाँ पर देखिए मान लीजिए जैसे कंट्रोल डाउन हम लोग किए तो ये लास्ट रो में आ जाता है, ठीक यस है, सर अच्छा लेकिन पूरे को अगर सिलेक्ट करना है, ये तो सिलेक्ट सारे को नहीं किया ना, ये मूव कर गया लास्ट में कर्सर, लेकिन सिलेक्ट तो नहीं किया सारे को, यस सिलेक्ट सर मतलब हाईलाइट, सारे को सिलेक्ट तो नहीं किया नो सर है ना, तो सारे रोज को मान लीजिए हमको इस कॉलम के सारे रो को सिलेक्ट करना है, इस कॉलम के मतलब कॉलम ए के सारे रोज को सिलेक्ट करना है, मान लीजिए इस शीट से कॉपी करके हमको दूसरे शीट में लाना है, ठीक है, दूसरे शीट में लाना है, मान लीजिए इस शीट में लाना है, शीट 3 में डेटा लाना है, तो आप कैसे कीजिएगा, एक एक करके, फिर शिफ्ट, शिफ्ट की करने का मतलब हुआ सिलेक्ट, शिफ्ट करके फिर डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो करोगे तो 25 बार करोगे, यस सर इसलिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस डाउन से तो वो नीचे तक चला जाता है, लेकिन नीचे जाते वक्त सारे को सेलेक्ट करते हुए जाए, अगर हम ऐसा चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो, समझे, यस सर सेलेक्ट हो गया, अब तो सारा सेलेक्ट हो गया, फिर कंट्रोल ए कर दीजिए, तो सॉरी सारा सेलेक्ट हो गया, अब इसे कंट्रोल सी कर दीजिए तो कॉपी हो गया जितना सेलेक्ट हुआ था, और इसको फिर आपको जिस शीट में ले जाना वहां पे कंट्रोल भी कर दीजिए, तो ये पेस्ट हो गया, क्लियर। तो यस सर हम लोग क्या क्या शॉर्टकट पढ़े कि अगर हमको सिलेक्ट कर भी करना है, डाउन मूव करना है या फिर अप मूव करना है साथ में, लेकिन सिलेक्ट करते हुए सेल्स को जाना है, तो कंट्रोल प्लस सिलेक्ट प्लस डाउन एरो, ठीक है, सर कंट्रोल प्लस सिलेक्ट प्लस अप एरो, क्लियर, यस सर समझ गया। और हम लोग क्या पढ़े, कंट्रोल प्लस सी से क्या होगा, कॉपी, ठीक है, कॉपी और कंट्रोल कंट्रोल प्लस प्लस भी से पेस्ट वी से पेस्ट, ठीक है, ये कॉपी ये पेस्ट, इसका बहुत जरूरत पड़ता है, ठीक है, एक्सेल इज लाइक कॉपी एंड पेस्ट इज लाइक हार्ट ऑफ एक्सेल, ठीक है, वी यूज दिस वेरी फ्रिक्वेंटली।
So this is how you move in different directions in a sheet. While working on a sheet, these shortcuts will help you to traverse through the sheet. एक शीट में आपको डिफरेंट प्लेस पे मूव करना है, हाईलाइट कुछ रोज को सिलेक्ट करना है, कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, तो दीज शॉर्टकट्स विल हेल्प यू. ये तो सिमिलर आप समझ गए कि अब सिलेक्ट का मतलब हुआ कि इसको सेल को सिलेक्ट कर लेना है. ठीक है, तो कंट्रोल प्लस, पहले राइट साइड मूव करने के लिए क्या करते थे, कंट्रोल प्लस राइट एरो, या राइट लेफ्ट एरो मूव करना है तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, तो लेफ्ट लास्ट एरो में चला गया. लेकिन अगर हम सारे को सेलेक्ट करना चाहते हैं, रो वन का सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, रो वन के सारे कॉलम्स को, तो उसमें क्या जोड़ देंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, राइट एरो, तो ये राइट तक चला गया. क्लियर? यस सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. ओके, यस सर और वही आपको फिर कॉलम एच से कॉलम आई, लास्ट कॉलम से आपको रो वन में ही लास्ट कॉलम से फर्स्ट कॉलम पे आना है. तो नॉर्मली आप क्या कीजिएगा, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, है ना, और वही फर्स्ट यस रो वन के कॉलम ए से लास्ट कॉलम तक जाना है, तो क्या कीजिएगा आप, कंट्रोल कंट्रोल प्लस राइट एरो. राइट लेकिन साथ ही में अगर आपको सिलेक्ट करते चलना है सारे सेल्स को, तो आप क्या कीजिएगा, कंट्रोल प्लस प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो कीजिएगा, तो ये लास्ट के कॉलम तक सिलेक्ट कर चले लेगा. ठीक है, उसको आप कंट्रोल सी करके कहीं पर अगर पेस्ट करना है तो पेस्ट कर दीजिए. ठीक है, इसी यस तरह आपको राइट से अगर लेफ्ट मूव करना है, ठीक है, लास्ट मतलब रो वन के लास्ट कॉलम पे है, आपको लेफ्ट साइड के सारे कॉलम सेलेक्ट करने हैं उसी रो के, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो कीजिएगा, लेफ्ट सारा सिलेक्ट हो जाएगा. फिर उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए जहां भी आपको पेस्ट करना है. क्लियर? यस तो ये पर्पस है. तो आपने क्या क्या सीखा, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, कंट्रोल प्लस अप एरो, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, कंट्रोल प्लस राइट एरो, कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस सिलेक्ट प्लस डाउन एरो, कंट्रोल प्लस सिलेक्ट प्लस अप एरो, लेफ्ट कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी. जी क्लियर? यस सर समझ में आया? यस सर